बिहार में पल पल राजनीतिक दृश्य जो है वो बदल रहा है, और इस बदले हुए राजनीतिक दृश्य में कहीं ना कहीं एक बात साफ नज़र आ रही है कि दोनों ही खेमे, एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों खेमों में कहीं ना कहीं उथल पुथल बराबर मची हुई है। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव को लेकर के, विधानसभा में उपचुनाव को लेकर के जो बोचहा सीट है उस पर ज़बरदस्त चर्चा चल रही है और उठापटक मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ एक देखा जाए तो जो स्थानीय निकाय से 24 सीटों के एमएलसी चुनाव होने हैं उस पर भी काफ़ी कुछ बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है। आपको बता दें कि बोचहा से 9 बार विधायक रहे रमई राम काफ़ी खपा हैं राष्ट्रीय जनता दल से, और ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि उन्होंने रातों रात विकासशील इंसान पार्टी ज्वाइन कर लिया। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के अब खास करके देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। आपको बता दें कि अमर पासवान को टिकट दे बुरी तरह फंस गए हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव पर अब चरतरफा हमला भी शुरू हो गया है। कई ऐसे नेता हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि पुराने और समर्पित कार्यकर्ता को छोड़ करके जो बाहर से आया उसे टिकट देकर के तेजस्वी यादव क्या साबित करना चाहते हैं। उन्होंने पार्टी को बदलने की बात की थी, पार्टी में नए परिवर्तन की बात की थी, नए तेवर और कलेवर के साथ वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन ये क्या है कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को साइड करके और नया आने वाले सदस्य को वो टिकट दे करके एक बार फिर से ये साबित कर दिए कि लालू प्रसाद की तरह वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह सक्षम नहीं है। उनके पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य रहे अमरनाथ गामी ने अपनी बात रखते हुए स्पष्ट तरीके से कहा है कि राजद अपने निष्ठावान रमई राम को छोड़ वीआईपी पार्टी से दल बदल करवा कर उम्मीदवार बनाए गए व्यक्ति को टिकट देना ये किस तरह की राजनीति और रणनीति है। निष्ठावान कार्यकर्ता की बलि दल बदलू पर विश्वास, ये क्या है जी, क्या यही राजनीति है, क्या यही सब कुछ है। आपको बता दें कि इसके ठीक पहले रमई राम मिलने के लिए गए थे तेजस्वी यादव से, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। बाद में रमई राम ने तत्काल डिसीजन लिया और वो विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी, जहां से अमर पासवान आए थे उसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और मुकेश सहनी ने बोचहा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने के लिए भाजपा के साथ साथ राजद को भी यह बता दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर वीआईपी के लिए सीट नहीं छोड़ी तो वह राजद समर्थक से अमर को अपने दल से बाहर कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। बात बिगड़ते देख अमर पासवान ने ही मुकेश सहनी से पीछा छुड़ा लिया। ये बातें लगातार चर्चा चल रही थी और इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही थी। राजद के वरिष्ठ नेता रमई राम अपनी बेटी डॉक्टर गीता को पार्टी का टिकट दिलाने के लिए प्रयासरत थे और ये अंततः रात होते होते संभव हो पाया। तेजस्वी पर दबाव काफ़ी बढ़ गया था और ये सीट चूँकि प्रतिष्ठा का प्रश्न है, जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए था वहीं तेजस्वी यादव के लिए भी था। अब बदली हुई परिस्थिति में लगातार तेजस्वी यादव पर हमले हो रहे हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद और रणनीतियाँ अलग से बनाई जाती हैं। क्या इसी रणनीति का हिस्सा है एक बार फिर से रमई राम को बाहर का रास्ता दिखाना। हालांकि रमई राम पिछले 2020 के चुनाव में भी ऐसा नहीं था कि वो खराब प्रदर्शन किए थे, मात्र 3% वोट से वो वहाँ चुनाव हारे थे और 9 बार बोचहा से वो विधायक रह चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि ये लड़ाई दिलचस्प तो हो गई है, लेकिन तेजस्वी यादव अमर पासवान को जिताने के लिए किस तरह की रणनीति बनाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है कि उसे तेजस्वी यादव के बराबर सीटें पूरी करनी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।